सो गाइस, तो आज के वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ इस तरीके से HDR फेस को स्मूथ करना एंड फाइट करना, जो गाइस आप मेरी स्किन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं एंड वाइट कर सकते हैं, अपने लिप्स को कुछ स्टेप से रेड कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड को कैसे आप लोग इस तरीके से ब्लैक कर सकते हैं। एंड इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल फोटो, तो मैंने इसी वाले फोटो को क्या क्या हो मैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। मैंने इसी वाले फोटो को मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, इसी वाले फोटो को मैं यहाँ पे एडिट किया हूँ, तो मेरा फोटो का रिजल्ट कुछ स्टेप से बन के आया। तो इसी तरीके का एडिटिंग सीखूंगा, फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना बहुत ही कम टाइम में। तो गाइस अगर आपको सीखना है एंड जानना है कि इस तरीके से फेस को कैसे स्मूथ किया जाता है एंड व्हाइट किया जाता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के आप लोग देखते हैं, तो बहुत ही कम टाइम मेरे जैसा HDR फेस को स्मूथ करना एंड व्हाइट करना आप लोग सीख जाइएगा। और इससे पहले मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का जो लाइक वीडियो को सुन कर स्टार्ट। तो सिंपली गाइस आ जाएंगे फोटो वाले मॉडल पे। तो सिंपली गाइस आपको वीडियो को एक एक स्टेप देखना है। जिस भाई को सीखना है HDR फेस को स्मूथ करना एंड व्हाइट करना, ओ भाई वीडियो को देखे। जिस भाई को नहीं सीखना है ओ भाई अभी से वीडियो को स्किप करके चले जाए। एंड गाइस क्या करेंगे, फोटो वाले मॉडल को यहां से हम लोग शेयर करेंगे बहुत कम टाइम में सिखाएंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो सिंपली गाइस तो इस वाले फोटो को हम लोग लेकर आ जाते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। आने के बाद क्या करते हैं, सिंपली गाइस बहुत आसान स्टेप है। सिंपली आपको यहां पे एक मिल जाएगा एडिट का ऑप्शन। तो सिंपली गाइस आपको क्या करना होगा, एडिट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। एंड गाइस आपको यहां पे लाइट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर ले जाऊंगा। एंड गाइस इसका हाईलाइटेड 100 माइनस कर लीजिएगा एंड शैडो को 100 प्लस एंड व्हाइट्स को माइनस एंड ब्लैक को प्लस, ठीक है इस तरीके से। एंड गाइस इसका कंट्रास्ट 100 प्लस कर देंगे। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर फोटो का क्वालिटी बहुत आसान है। एंड गाइस आपको कलर वाले ऑप्शन पे आना होगा, यहीं पे मिलेगा ठीक है सेकंड नंबर पे। एंड गाइस आपको इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा प्लस कर लूंगा मैं तेरे के करीब कर लेता हूँ। एंड गाइस मैं अब यहाँ पे कलर मिक्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दूंगा, बहुत आसान है आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए। एंड गाइस आपको यहाँ पे इस वाले ब्रश में मतलब सॉरी इस वाले टोन पे आपको आना होगा। एंड गाइस इसका सिचुएशन आप लोग माइनस कर दीजिएगा, मान लीजिए इसका सिचुएशन मैं 74 माइनस करके इसका लिमिट पूरा 100 प्लस कर दूंगा, तो फेस का जो क्वालिटी आप लोग देख पा रहे होंगे कि फेस का क्वालिटी कितना बेस्ट बन चुका है और भी फोटो बेहतर बनेगा इसी ऐप के अंदर। तो आपको यहाँ पे आ जाना होगा इस वाले ऑप्शन पे एंड इसका सिचुएशन एंड ह्यू को माइनस करके यहाँ पे आइएगा। इसका भी सेम कर लीजिएगा, इसका भी सेम कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पे, और इसका भी सेम कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड होता है ना वो पूरे तरीके से ब्लैक हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, मतलब यहाँ से जितना भी सारा टूल्स है आप लोग सारे को सिचुएशन एंड ह्यू को माइनस कर लीजिएगा ठीक है, और लिमिट को थोड़ा सा भी मत छेड़िएगा और सिंपली आपको रेड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा अच्छे से ठीक है। तो इसका सिचुएशन थोड़ा सा प्लस कर लेंगे, मान लीजिए 34 एंड इसका ह्यू को माइनस कर लेंगे, ह्यू को 100 माइनस कर देंगे। एंड इस इतना काम करने के बाद फोटो को डन कर लेंगे आराम से। तो इतना काम तो आप लोग सीख जाते हैं, लेकिन आप लोग करते क्या है अपने फोटो को HD नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेना होगा। मैं जस्ट नाउ क्लिक करके इसका क्लियरिटी 100 कर लेता हूँ ठीक है, इस तरीके से इसके नीचे वाले ऑप्शन को थोड़ा सा मैं प्लस कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसको 22 प्लस कर लेता हूँ ठीक है। एंड इस इतना काम होने के बाद आपको यहाँ पे बिगनेट पे क्लिक करना होगा ठीक है। तो इस पर सिंपली आइएगा एंड इसका अमाउंट को आप लोग माइनस कर लीजिएगा, मान लीजिए इसको प्लस करते हैं तो फोटो के चारों तरफ व्हाइट आएगा एंड माइनस करते हैं तो ब्लैक आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं 18 इसको माइनस कर लेता हूँ, तो देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर फोटो क्वालिटी है। इस बिफोर एंड आफ्टर तो फोटो इतना तो हो चुका है। एंड इस क्या करेंगे, सिंपली आ जाएंगे यहाँ से फोटो वाले मॉडल पे शेयर वाले ऑप्शन पे ठीक है। तो फोटो को हम लोग सिंपली अब सेव कर लेंगे यहाँ से सेव कॉपी टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे। एंड गाइस बहुत ही कम टाइम में सिखाएंगे आज HDR फेस को स्मूथ करना एंड व्हाइट करना। तो फोटो देख सकते हैं नीचे व्यू इन गैलरी फोटो सेव हो चुका है। अब गाइस फोटो को आप लोग अब शेयर कर देगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार फोटो को सेव किए अब शेयर क्यों करें, तो सब कुछ बताएंगे, वीडियो को आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा ठीक है। एंड इस आपको ये स्केटबुक ऐप के अंदर इस फोटो को लेकर आप लोग आ जाएगा एंड मैं जो भी मतलब जो भी चीज़ बताऊंगा आज की वीडियो में आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आना होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से मैं आपको सिखा रहा हूँ। और आप लोगों को यहाँ पे आना होगा इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल पर आराम से कीजिएगा ठीक है, घबराइएगा मत, बारीकी से समझाएंगे एंड एक एक स्टेप बताएंगे। और यहाँ पे आइएगा और यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे हटा दूंगा इस वाले फोटो को। अब आप जिस फोटो को सेव किए होंगे वो फोटो ना आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो अब आपको फोटो को सेव करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब फोटो क्लियरिटी यहाँ से मतलब सेव हो चुका है, तो सबसे फर्स्ट तो थोड़ा सा लिप्स को मैं रेड कर लेंगे क्योंकि लिप्स जो है ना जो बहुत ज़्यादा फिंक है, तो इसको रेड करके सिखा देते हैं। सब कुछ सिखाएंगे वीडियो में, आप लोग बन रही है। एंड इस वीडियो को आप लोग छोड़ के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पछताइएगा एंड आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो लिप्स को रेड करने के लिए आएंगे लेयर पर एंड इस यहाँ पे प्लस पे एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक नोलर को हम लोग क्रिएट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड इस नोलर पे आ जाएंगे और इसको हम लोग सिंपली कर लेंगे यहाँ से सॉफ्ट लाइट। इतना काम
आप लोग कर सकते हैं, मुझे पता है, और यहाँ से हटा देंगे। ब्रश पे आप लोग आ ही सकते हैं एंड आपको इस वाले ब्रश को आराम से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसका सेटिंग आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे डार्केन होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, डार्केन होगा नहीं होगा तो कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। एंड आप सिटी को एंड साइज जो है ना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं एंड कट कर देंगे। अब कलर्स पे आ जाएंगे, और यहाँ से आपका मतलब आप अपने लिप्स का कौन सा कलर रखना चाहते हैं, मतलब यही बोलता है कि आप अपने लिप्स का कलर कौन सा रखना चाहते हैं। तो मैं सिंपली ये वाला कर लेता हूँ और मैं कट कर देता हूँ, और मैं फोटो को जूम करके एंड इस तरीके से मैं आराम से कर लूँगा, ठीक है। घबराइएगा मत, आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो में सब कुछ सिखा देंगे क्लियर ही, आप लोगों के साथ जो भी चीज़ सिखाएंगे रियल सिखाएंगे एंड जो भी चीज़ बताएंगे आप लोगों को अच्छे से काम करेगा आपके। मतलब यहाँ पे बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि आपको फेक फेक चीज़ बता देते हैं, लेकिन आप लोग उसी चीज़ को जाते हैं और करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करने से वजह से आप लोग एडिटिंग नहीं अच्छे से सीख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन देख लीजिए कितना आसान है। अब एक स्टेप जो है आपको बताएंगे कि फेस को कैसे स्मूथ किया जाता है, तो आपको बताएंगे सबसे पहले तो लिप्स को रेड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फेस स्मूथ करने में आप लोग वीडियो में फोकस कीजिएगा, तभी आप लोग कर पाइएगा। तो लिप्स जो होता है कितना बेस्ट लग रहा है आप लोग स्किन पे यहाँ पे देख पाएंगे। अब गाइस आपको करना क्या होगा, फेस को कैसे स्मूथ किया जाता है, ये आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ये चीज़ आपको कोई रियली तरीके से नहीं बताता है, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में फोकस करना होगा। एंड गाइस सिंपली आपको इस वाले ब्रश पे आ जाना होगा एक बार, ठीक है। एंड गाइस आपको मतलब यहाँ नीचे पे क्लिक करना होगा अपने फोटो वाले मॉडल पे, ये हरा वाला चिन्ह आ जाएगा आपके फोटो के चारों तरफ। अगर ये लिप्स पे होगा तो मेरा गारंटी है कि आप लोग 110 क्या आप लोग लाखों बार भी कीजिएगा तभी फेस स्मूथ नहीं होगा, तो ये समझिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज मिक्स कर देंगे मतलब मिस कर देंगे तो नहीं समझ पाइएगा। और अब आपको सिंपली आना होगा ब्रश वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आइएगा, और मैं जो ब्रश आपको बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से यूज करते हैं तो आप लोग सीख जाइएगा, तो आपको सिंपली इस वाले ब्रश को एक बार ले लीजिएगा आराम से, ठीक है। इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं, और आप लोगों को सेटिंग पे भी आप लोग आ सकते हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे भी आपको अच्छे से थोड़ा सा फोकस करना होगा साइज एंड सेटिंग को समझने के लिए, तभी आप लोग कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे स्मूथ वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप में होगा स्मूथ लिखा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पे मतलब थर्ड नंबर पे मिल जाएगा, आराम से इसको सेलेक्ट आप लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्मूथ होना चाहिए, तभी आप अपने फेस को बना सकते हैं एंड स्मूथ कर सकते हैं। इतना काम तो कर सकते हैं। अब फोलो को 5 कर लीजिएगा, स्टेन को 5 कर लीजिएगा, इस दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं। देख लीजिए कितना बारीकी से मैं आज आपको समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इस मेरा जो साइज है, साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, साइज आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब मैं कट करने के बाद मैं करूँगा कि अपने फेस के ऊपर इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करूँगा तो मेरा फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों के सामने होगा सब कुछ, ठीक है। और आप लोग अच्छे से कीजिएगा तभी आप लोग कर पाइएगा, और बिल्कुल भी मत घबराइएगा क्योंकि वीडियो में आप लोग घबराते हैं तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा। और इसी तरीके से अब ज़्यादा काम नहीं है, आप लोग इसी तरीके से अपने फेस को जस्ट नाउ स्मूथ कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, देख लीजिए कितना बेस्ट है। और आप लोगों को मैं समझा दूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे फर्स्ट क्या कीजिएगा, आप लोग अपने माथे पर का जो भी पिंपल निशान होगा उसको आप लोग अच्छे से इरेज कीजिएगा। तो देख लीजिए इतना बेस्ट क्वालिटी मतलब स्मूथिंग दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आराम से करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों को घबराना नहीं होगा थोड़ा सा भी, ठीक है। और आप लोग घबराते हैं वीडियो में तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा, आप लोग क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी घबरा जाएंगे आप लोग वीडियो में तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से क्या कीजिएगा, आप अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं इस तरीके से साइज को थोड़ा सा प्लस करके और आराम से इसको मैं कर सकता हूँ। अब घबराने वाला कोई भी बात नहीं है, सारा चीज़ आप लोगों के सामने है, और इसी तरीके से आप लोग आराम से अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं, मेरा गारंटी है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा कुछ अब नहीं है, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। तो इसी तरीके से थोड़ा सा अपने ब्रश को अप्लाई करके एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो को यहाँ पे लास्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस तरीके से अब फेस को स्मूथ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको करना होगा। तो इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करके आप लोग कर सकते हैं, मेरा मतलब मुझे पता है कि आप लोग अब इतना काम तो कर सकते हैं। एंड इसमें आ सकता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को मैं फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस इतना ही।